हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो यूट्यूब पे बहुत सी भी फोटो एडिटिंग सिखा रहे हैं, सब पुराना हो गया। आज आपको न्यू सी भी फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर सी भी बैकग्राउंड है और बिल्कुल ग्रीन टून के अंदर मैंने बनाया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर आज सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। चलिए बिना देरी के वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना, अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम पे दे दूंगा, जाके आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर अपनी जो भी नॉर्मल सी फोटो है उसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने अपनी नॉर्मल सी एक फोटो को ऐड कर दिया है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से ऐड फोटो पे चले जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है और यहाँ से जिस कलर का आपको बैकग्राउंड चाहिए वो आप कलर ले सकते हो। मैं यहाँ पर लाइम ग्रीन वाला एक बैकग्राउंड लूँगा जिससे हमारे कपड़ों का कलर चेंज होएगा। तो ये वाला हमने रख लिया और ब्लेंड ऑप्शन पे जाना है आपको, यहाँ से इसको कर देना अब आपको मल्टीप्लाई। अब आपको ऊपर इरेज वाला आइकन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद आपको यहाँ से इन्वर्ट पर क्लिक कर देना है और अब आपको परफेक्ट तरीके से अपने कपड़ों पर ब्रश को चला देना है। जितनी PNG वगैरह मैं यहाँ वीडियो में यूज़ करूँगा वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना। कोई फेक वीडियो नहीं है, वीडियो को आपको पूरा देखना, परफेक्ट तरीके का आपको एडिटिंग यहाँ पर सिखाऊंगा। अगर आपको फ्री में प्रीसेट चाहिए तो मेरे चैनल पे बहुत सारे प्रीसेट आपको मिल जाएंगे, जाके फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ से कर देना इसको डन। बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो। ऐड फोटो में आपको यहाँ से अब दोबारा से चले जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पर एक न्यू CV बैकग्राउंड दूंगा जो कि देख सकते हो स्क्रीन पे, इसको आपको फुल साइज कर देना है। फुल साइज करने बाद आपको ऊपर इरेज का आइकन मिल जाएगा, उस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद आपको यहाँ से इन्वर्ट पे क्लिक कर देना है और अब आपको यहाँ पर बैकग्राउंड को चेंज कर देना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम देना अपनी फोटो में और इसको परफेक्ट तरीके से आपको बैकग्राउंड को इरेज कर लेना है। मैं जितने PNG वगैरह यूज़ करूँ वह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें देता रहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने परफेक्ट तरीके से बैकग्राउंड को चेंज कर लिया है। अब आपको राइट पर क्लिक कर देना, बिफोर एंड आफ्टर अब फोटो आप देख सकते हो। यहाँ पर हमारा अभी फेस स्मूथ नहीं हुआ, नहीं वाइट नहीं हुआ, गोरा भी नहीं हुआ अच्छे तरीके से। तो चलो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। टूल पे जाना आपको, यहाँ से आपको ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और अब आपको ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है अपने हिसाब से। सैचुरेशन को आपको यहाँ से कम कर देना है, हाईलाइट को आपको यहाँ से बढ़ा लेना है। अब आपको यहाँ से इरेज पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद आपको यहाँ इन्वर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इन्वर्ट पे आपको क्लिक कर देना है और अब आपको अच्छे तरीके से अपने फेस पे आपको ब्रश को चला देना है। तो देख सकते हो यहाँ पर परफेक्ट तरीके से अपने फेस पे और हैंड पे आपको ब्रश को चला देना है, आपका फेस अच्छे तरीके से यहाँ पर गोरा हो जाएगा। अगर आपको इस ट्रिक का पता नहीं था तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं ऐसी वीडियो और भी अपने चैनल पे यहाँ पर लाता रहता हूँ। इतना करने के बाद आपको यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना है और डन कर लेना है। तो अब आप बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो। यहाँ पर बस आपको लिप्स की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको रिटच वाले ऑप्शन पर चले जाना है। जाने के बाद आपको मेकअप बॉक्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको लिप्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। और अब आपको यहाँ से थोड़ा सा वेट करना है, अमाउंट को आपको 100% रख देना है और यहाँ पर आप देख सकते हो परफेक्ट तरीके से आपका फोटो यहाँ पर एडिट हो गया है। फोटो को अगर HD करना है, अगर आपके में HD नहीं होता तो चलिए आपको बताता हूँ कैसे HD कर सकते हो। टूल वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ से जाना है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर सेकेंड नंबर पर मिल रहा है, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से चले जाना है। तो मैं यहाँ से टूल पर जाऊँगा और AI इनहेंस पर आपको क्लिक कर देना है और आपका नेट यहाँ पर ऑन होना चाहिए और थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपकी फ़ोटो HD में हो जाएगी। बहुत भाई रेमनी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ मत करो, यहाँ से आप कर सकते हो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से। तो यहाँ से बेस्ट आपका फ़ोटो HD में हो जाएगा।
अमाउंट को 100% रख लेंगे और फोटो आप देख सकते हो बिल्कुल HD में तैयार है। बिफोर एंड आफ्टर आप फोटो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, सारी PNG डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन टेलीग्राम पे दे दिया है, चैनल पे नया आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। अगर आपको लाइटरूम के फ्री प्रीसेट चाहिए तो मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो।